हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू धनिया की चटनी। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ धनिया की चटनी कैसे बनती है। मेरी प्यारी सी प्रिया भाभी, जिनके हाथों की धनिया की चटनी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उनके घर आई हुई हूँ, इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जो मुझे धनिया की चटनी खिलाती है वो कैसे बनाती है वो मुझे दिखाए, और ताकि आप सब लोग मेरे व्यूअर्स आप लोग भी देखें और उसको टेस्ट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे लगा। धनिया की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मेरी भाभी ने क्या क्या दिया हुआ है आप सब लोग देख सकते हो। धनिया के पत्ते, मिर्ची, मूंगफली, इमली का पानी, लहसुन, नमक अपने स्वाद अनुसार, और साथ में चीनी। आप यहाँ पर देख सकते हो धनिया की चटनी के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे तैयार करते हैं। आप देखिए दोस्तों, मेरी भाभी इसमें मिक्सी ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करने के लिए तैयार कर रही है, सब इसमें डाल रही है। भाभी ने धनिया डाल दिया है, मूंगफली डाल रही है, लहसुन दिया है, कच्चा मिर्ची, आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और मिर्ची ले सकते हैं, थोड़ा सा चीनी और नमक अपने स्वाद अनुसार, और इसमें भाभी इमली का पानी डाल रही है। आप इमली को थोड़ा सा भिंगो के रखिए, उसका पानी आप उसमें डाल दीजिए तो वो इमली का पानी तैयार हो जाता है। मार्केट से आप इमली का पैकेट भी खरीद सकते हैं जिसमें आपको भिगोने का कोई दिक्कत नहीं है। जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए था धनिया की चटनी के लिए भाभी ने सब इसमें डाल लिया। अब गाइस आप देखोगे मिक्सी में सब डाल दिया है, इसको अभी ग्राइंड करना है। ये मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल दिया है। आप लोगों को सबको पता है कि धनिया की चटनी हम हर किसी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैं श्योर आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि मुझे जितना पसंद आया भाभी की चटनी, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो गाइस, ये बन के तैयार हो गया है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। गाइस आप देख सकते हो मेरी प्यारी प्रिया भाभी के हाथों का बनाया हुआ पुदीना का चटनी तैयार हो गया है। ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको आप रोटी के साथ चाहो, पराठा के साथ चाहो, या आप चिकन के साथ चाहो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हो। ये सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके फ़ायदे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूँगी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब लोग अपने घर में ट्राई कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।